City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, सिटी लाइव के इस कार्यक्रम शब्द संसार दिल से में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रचनाशीलता की उन तमाम तासीरों को चखकर शब्द, स्मृति और संवेदनाओं के रचे बुने उस खूबसूरत संसार से सदक और सदाकत भरा साक्षात्कार है। इट्स अ ब्यूटिफुल गार्लेड, इट्स अ ब्यूटिफुल रेनबो ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट शेड्स। तो आइए हम मुखातिब होते हैं अपने कवियों से, जो आज अपनी कविताओं, अपने शब्दों के मार्फत आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजरतन जोशी बीकानेर से, और जोशी जी प्रोफेसर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी के एक अच्छे कवि हैं और एक शब्द के जो जानकार हैं। दूसरे हमारे साथी हैं जो कवि हैं, विजेंद्र एस विज। विजेंद्र दरअसल चित्रकार हैं, विजेंद्र चित्रकार हैं, विजेंद्र एक रिसर्च फेलो हैं और बहुत ही सूक्ष्म कविताएं लिखते हैं, संवेदनाओं के साथ आपका एक गहरा ताल्लुकात है। तो सबसे पहले मैं ब्रजरतन जी से कहना चाहूंगा, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आप कुछ अपने अल्फाज हमारे साथ में शेयर करें। नमस्कार अमित, सिटी लाइव के शब्द संसार दिल से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो नई अपनी तरह की पहल है उस स्वागत कर रहा हूं, और इस आने संवेदना के निरंतर बहते इस स्रोत में अपने को एक बार फिर ताजा महसूस करता हूं। समय की तमाम मुश्किलों, असाधारण परिस्थितियों के बावजूद सृजन का संसार हमेशा हर समस्या के समाधान के लिए पूर्ण मुस्तैदी और संभावनाओं के साथ खड़ा होता है। रचनाकार भी इस अवसर पर कहीं पीछे नहीं है, वह अभी भी अपनी सृजन को संजीवनी मूटी मानकर इस मृतप्राय होते जीवन को उन्हें रफ्त में लाने की कोशिश में जुटे। आप हम सब इसमें लगे हैं, इसलिए हम सबका स्वागत जी। स्वागत है आपका। आप कुछ शेयर करें सर, कविता से ही शुरुआत करें, कोई एक कविता पढ़ें आप अपनी। जिंदगी रसदार फूलों का गुच्छा है, जिंदगी रसदार फूलों का गुच्छा है, जिसे तोड़कर, चखकर, चूमकर, चबाकर बनाता हूं अपना वजूद, जिसे तोड़कर, चखकर, चूसकर, चबाकर बनाता हूं अपना वजूद, प्राणों की ऊर्जा को धमनियों में मिलता है अपरिमित बल और निखर उठता है जीवन, और निखर उठता है बहुत जीवन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जोशी जी आप एक और कविता पढ़ें, एक और कविता, ताकि वो लय हमारी बनी रहे। जी देखिए, एक चीज है जिस भी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, और आप दोनों चित्रकार हैं तो खासकर उस एंगल से इस पर विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी तवज्जो चाहूंगा दोनों की और हमारे सुधी दर्शकों की भी, जो इस कार्यक्रम को के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे संवेदन तंत्र का एक हिस्सा बन चुके हैं अब तक, और हमारे साथ इस संवेदना के निर्जर में, इस प्रपात में स्नात हो रहे हैं वे। गोल, गोल को लेकर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। गोल आनंद है, गोल आनंद है, गोलाई में जो संयम स्थिरता है वह अन्य आकारों में नहीं। गोलाई में जो संयम स्थिरता है वह अन्य आकारों में नहीं, स्त्री की आश्चर्यजनक गोलाइयां हो या किसी मंदिर का गुंबद, स्त्री की आश्चर्यजनक गोलाइयां हो या किसी मंदिर का गुंबद, अथवा हम हो अवसादग्रस्त, फेंक कर पानी में कुछ कंकड़ पत्थर, खुद को सौंपते हैं गोलाई की गोद, खुद को सौंपते हैं गोलाई की गोद में, बिखर जाती है सारी उदासी और अवसाद, खिल उठता है अंतरलोक। इतना ही नहीं, होते समय संसार से विदा, अंतिम समय तक साथ निभाती है गोल लकड़ियां, संसार से होते समय विदा साथ निभाती है गोल लकड़ियां, कंडे, मटकी,
गोलाई से निकलकर जीवन गोलाई में ही समा जाता है, गोलाई से निकलकर जीवन गोलाई में ही समा जाता है, सचमुच गोल ही आनंद है, क्योंकि गोलाई में नहीं होती, नहीं होता कोई टेढ़ा मेढ़ापन, क्योंकि गोलाई में नहीं होता कोई टेढ़ा मेढ़ापन, इसलिए गोल ही आनंद। बढ़िया, धन्यवाद ब्रजरतन जी। वाकई में आपने बहुत सही कहा कि गोलाई में ही आनंद है, ये जो पूरा कॉस्मस है वो गोल है, और हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय मनीषा है, उसने उस गोल को बहुत तरह तरह से मैनिफेस्ट किया है। तो अब मैं विजेंद्र की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जो कि चित्रकार भी हैं और कलमकार भी हैं। विजेंद्र, आप अपने शब्द, अपने अल्फाज हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें। नमस्कार आमिर, ब्रज रतन जी। सिटी लाइव के शब्द संसार दिल से में मैं बहुत अच्छी पहल है उनकी, और मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन्होंने यहाँ एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कराया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और ये एक अच्छी पहल है उनकी जी। अमित जी, तो कविता पढ़े विजेंद्र, आप अपने शब्दों से हमें मुखातिब करें। हाँ, मैं एक कविता पढ़ूंगा, इसका शीर्षक है खामोशियों के दरमियान। बेसिकली एक ये विजुअल है जो अपने इन शब्दों के माध्यम से मैं उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चूंकि चित्रकार हूँ तो चित्र और कैनवस की भाषा इसमें हो सकता आए, तो शुरू करता हूँ मैं। झक सफेद कैनवास की तनी चादर में, झक सफेद कैनवास की तनी चादर में, चार कोल से खींची कुछ आड़ी तिरछी लकीरें, और उनमें उभरता तुम्हारा अक्स, और उनमें उभरता तुम्हारा अक्स, घेरदार फ्राक में तुम मुझे बगुला लगती थी। अभी भी याद है मुझको पुराने मकान की ऊपरी छत, और वहां एक बालकनी जहां पर रोज मैं बैठा सपने बुनता रहता था। बस वही मोड़ के नुक्कर पर इमली का पेड़ बूढ़ा सा, वहां नीचे से रंग बिरंगी पतंगियों से सजे तांगे, गोटेदार कपड़ों से पटी बग्घियां, और घोड़ों की रानों पे पर लगे गुलाबी फुलरे। वहीं नीचे से ही बाजार शुरू होता था, जहां अक्सर रहमान चाचा की बग्घी खड़ी होती थी। वहीं नीचे से ही बाजार शुरू होता था, जहां अक्सर रहमान चाचा की बग्घी खड़ी होती थी। मैं वहां रोज यही मंजर देखा करता, वहां उस भीड़ में ढूंढती मेरी नजरें अक्सर मायूस हुआ करती थी। चंद भर लोग ही इसके गवाह होते, मकान की छत, बालकनी, रहमान चाचा की बग्घी, घोड़ों की रानों में लगे गुलाबी फुलरे, और तुम सभी समा चुके हैं झक सफेद कैनवास में, तारपीन के तेल की खुशबू से अभी जिंदा हैं, सपने गडमड हो टूट कर बिखरते हैं, कई रातों से मैं सोया नहीं। बहुत खूबसूरत विजेंद्र, आपने जो एक चित्रकार होने के जो भाव है वो भी इस कविता के मार्फत उजागर किए हैं। तारपीन की खुशबू, रंगों के जो जो शेड्स, सारे तमाम शेड्स हमारे सामने दिखाई दिए, हमें कहीं ना कहीं अपनी स्मृतियों में हुसैन, रजा, सूजा जैसे बड़े चित्रकार आपके भीतर से आंदोलित होते, आपके भीतर से फूटते हुए दिखते हैं। चलिए मैं भी एक अपनी कविता पढ़ता हूँ। ये कविता एक बहुत पुरानी कविता है, जिस दौरान मैं पढ़ता था, स्टूडेंट हुआ करता था, तब की ये कविता है, और नया ज्ञानोदय में ये छपी थी। इसका शीर्षक है कवियों की कहानियां। कवियों की कहानियां कब पूरी होंगी, कवियों की कहानियां कब पूरी होंगी, नहीं जानेगा कोई कभी भी किसी जन्म में। कवियों की कहानियां कब पूरी होंगी, नहीं जानेगा कोई कभी भी किसी जन्म में। गुथे जाल सी जुड़ा एक से दूजा धागा, गांठ नहीं फिर भी बांधा किसी फकीर के मौला सा।
स्वप्नों की लहरों पर तैरता आकाश पुरंदर, धरती बैठ जाती सुखासन में चिंताओं की चिता छोड़कर, चाहती बस सुनना मुझसे कवियों की कहानी कब पूरी होगी, नहीं जानेगा कोई कभी भी किसी जन्म में। वाह, तो ये इस तरीके की कवियों की कहानी है, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि जो कविता है, जो कविता है वो अपने आप में एक आंदोलन होती है। कविता एक एक सूक्ष्म एक लय है। कविता को अशोक वाजपेयी जैसे कवि, उसको एक सत्याग्रह कहते हैं। नंद किशोर आचार्य जो बृजरतन जी के भी टीचर रहे, आप उनके शागिर्द हैं, तो वो भी इसको एक बहुत बड़ी अमोघ शक्ति मानते हैं, एक सत्याग्रह की संज्ञा देते हैं। तो बृजरतन जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ एक और कविता सुनाएं अपनी। बिल्कुल, आपने जिक्र किया, आचार्य जी कहते हैं कि काव्य या साहित्य संवेदनात्मक अन्वेषण है एक तरह का जी, जिससे विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान अपना अन्वेषण करता है, वैसे रचनात्मक जब संवेदना रचनाकार जो है वो रचनात्मक दुनिया में संवेदना का अन्वेषण करता है। तेज का हो गया है लोप आवाज से तुम्हारी, मैं उपसर्गों प्रत्ययों से नहीं तुम्हें जोड़ूंगा, मैं उपसर्गों प्रत्ययों से तुम्हें नहीं जोड़ूंगा, अपनी दृष्टि से संवारूंगा तमाम जीवन, तुम मेरा साथ देना, तुम मेरा बहुत खूब साथ देना, साथ वाह वाह, तुम मेरा साथ देना, हमारा साथ यूं ही बना रहे, शब्दों की संगत यूं ही बनी रहे। तो विजेंद्र भाई, आप अब एक छोटी कविता शेयर करें सबसे। अच्छा अच्छा एक और कविता है मेरी जी। मेरे स्टूडियो की छत पर, मेरे स्टूडियो की छत पर एक कोने में तार से बल्ब लटका है, मेरे स्टूडियो की छत पर एक कोने में तार से बल्ब लटका है, वहां नीचे जहां मैं बैठता हूँ पढ़ता रहता हूँ पेंट करता हूँ, वहां नीचे जहां मैं बैठता हूँ पढ़ता रहता हूँ पेंट करता हूँ, एक छतरी नुमा शेड भी है वहां उसके ऊपर, एक छतरी नुमा शेड भी है वहां उसके ऊपर, जिससे इसकी रोशनी बेमतलब नहीं फैलती, जिससे इसकी रोशनी बेमतलब नहीं फैलती, यह मेरे मुताबिक जलता रहता है बुझता रहता है, काफी दिनों से अब मैं वहां नहीं बैठता, शेड पर डस्ट काफी जम गई है, रोशनी मध्यम पड़ गई है और पीली हो गई है, चंद अशार नजर आते हैं वहां, सोचता हूँ साफ कर दूं या बदल दूं इसको, आंखों में काफी जोर पड़ता है, बस इसी उधेड़ भुन में रहता हूँ, आजकल शेखू मेरा बच्चा इसे रोज जलाता है बुझाता है, इसे खेलता है मुस्कुराता है हंसता रहता है। बहुत खूब, आपने एक बहुत सुंदर एक पूरे कलाकार के स्टूडियो का, उसके मन के स्टूडियो का चित्रण किया है। तो मुझे भी अब एक मेरे भीतर का भी रतन जी जग गया है, तो मुझे एक कला से ही संबंधित एक रंगों से रिलेटेड एक पोएट्री याद आती है। गलत कहा किसी ने, गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं, गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं, शब्द पहले या रंग क्या कहते, चीजें रंग बदलती हैं, चीजें रंग बदलती हैं, इंसान रंग बदलता है, लेकिन रंग अपना रंग कभी नहीं बदलते प्यारे। शब्दों की जुबान तो तुम्हारी है, शब्दों की जुबान तो तुम्हारी है कल्पित, रंगों की अपनी भाषा अपना व्याकरण होता है, रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते,
रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाने जाते, रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाने जाते, उन्हें तो बस डॉट 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 सत राम दादू राम, मतलब अनुभव किया जा सकता है। बहुत तो ये इस तरीके की रंगों की जो रवायत है उसमें मतलब डूबे बिना नहीं रहा जा सकता। विजेंद्र ने जिसको शुरू किया, ब्रजरतन जी ने शब्दों के मार्फत एक पेंटिंग को पेंट किया, जिसको मैं तो एक विजुअल पोइट्री मानता हूँ। विजुअल पोइट्री ब्रजरतन जी करते हैं बिंबों के मार्फत, प्रतीकों के मार्फत। तो सर एक और कविता आप, कोई छोटी सी कविता हमसे शेयर करें, हमारे एक दर्शकों के कविता साथ है शेयर किया। अक्षरों पर, अक्षरों पर एक अनुभव व्यक्त कर रहा हूं अपना। जी अक्षरों का जीवन भी कितना विचित्र है। अभी आपने रंगों की बात की, अब मैं अक्षर की बात कर रहा हूं। अक्षरों का जीवन भी कितना विचित्र है, अविराम यात्रा है उनकी, अविराम यात्रा है उनकी, जाने कितनी कितनी भाषाओं की, कितनी कितनी विधाओं में करते रहते हैं यात्रा, जाने कितनी कितनी भाषाओं की, कितनी कितनी विधाओं में करते रहते हैं यात्रा, न चैन न सुस्ताना बस चलते जाना, न चैन न सुस्ताना बस चलते जाना, और कुछ न कुछ कहते जाना। पर क्या नियति है उनकी, पर क्या नियति है उनकी, किसी भाषा में वे होते हैं आधे, तो किसी दूसरी में वे होते हैं आड़े तिरछे, किसी तीसरी में वे होते हैं टेढ़े मेढ़े, तो कहीं पूरे होकर भी बोले जाते हैं अधूरे, जबकि अपने अस्तित्व में तो वे सब के सब पूरे पूरे होते हैं, जबकि अपने अस्तित्व में तो वे सब पूरे के पूरे होते हैं, जहां जहां रुकते ठहरते हैं फैलाते हैं अर्थ का प्रकाश, जहां जहां रुकते ठहरते हैं फैलाते हैं अर्थ का प्रकाश, लेते हैं गहरी सांस उभारते हैं हमारे दबे घुटे छुपे भाव, और इन्हीं आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े अक्षरों से सजी है यह पृथ्वी, और इन्हीं आड़े टेढ़े तिरछे टेढ़े मेढ़े अक्षरों से सजी है यह पृथ्वी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आड़े टेढ़े इन्हीं अक्षरों से सजी है ये धरती, ये पृथ्वी। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब। हम अपनी इसी, जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती है, तो हम भी अपने कविता के अगले घुमाव पर हैं, अगले पड़ाव पर हम बढ़ते हैं, तो विजेंद्र की तरफ हम बढ़ते हैं। विजेंद्र, आप भी एक छोटी सी कोई बहुत खूबसूरत कोई प्रेम की कविता सुनाएं। मुझे पता है कि आप प्रेम की बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं, तो प्रेम की कोई कविता। ठीक है, एक एक कविता है, इसमें भी शब्द और रंगों की बात हुई है, तो मैं शुरू करता हूँ। आज कुछ धुंधली पड़ गई लकीरों को फिर से गाढ़ा किया, आज फिर धुंधली पड़ गई लकीरों को फिर से गाढ़ा किया, उन पर कुछ रंग फेंके, लाल हरे नीले सफेद, अब कैनवस का कोई हिस्सा खाली नहीं है, अब कैनवस का कोई हिस्सा खाली नहीं रहा, बड़ी खामोशी के साथ उन फैले पड़े रंगों को घंटों निहारता रहा, बड़ी खामोशी के साथ उन फैले पड़े रंगों को घंटों निहारता रहा, अचानक गाढ़ी पड़ चुकी लकीरें अब अस्पष्ट नजर आने लगीं, और फिर पूरा का पूरा कैनवास खाली, बिल्कुल सफेद, जैसे कभी वहां रंग थे ही नहीं, फीकी पड़ चुकी लकीरें अब शब्दों में तब्दील हो गई थी, फीकी पड़ चुकी लकीरें अब शब्दों में तब्दील हो चुकी थी, हाँ यही शब्द थे, ऋतु परना तुम आज भी नहीं आई। थैंक यू, बहुत खूब, बहुत खूब। ऋतु परना तुम आज भी नहीं आई, बहुत सुंदर। और वो जो सफेद कैनवस है उसकी सफेदी मुझे दिखाई दे रही है, तो एक मुझे याद आता है कि जैन मुनि क्षमा सागर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो कहते हैं कि अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आ रही है। तो आपके कैनवस से के मार्फत, आपके रंगों के मार्फत, आपके स्ट्रोक्स में से वो आवाज, वो धीमेपन की आवाज विजेंद्र की तरफ से हम दर्शकों तक पहुंच रही है, हम सभी के सभी तक पहुंच रही है। तो मैं एक छोटी कविता आपसे शेयर करूंगा, इसका टाइटल है वापस आऊंगा।
ये भी पुरानी कविता है और थोड़ा सा इसमें एक मेटाफिजिकल पोएट्री है, ये एक मेटाफिजिकल एक दूसरे तरीके की कविता है, तो शायद ब्रजरतन जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आगे खोल पाएंगे, इससे कुछ नया जोड़ पाएंगे। तीर तीर शब्द भोर के स्वप्न, तीर शब्द भोर के स्वप्न, धरती में समाई जल की बूंद, तीर शब्द भोर के स्वप्न, धरती में समाई जल की बूंद, बीता बचपन अंतरिक्ष से टूटे किसी पिंड जैसा, कुएं में फेंके चंद सिक्के, अंतरिक्ष से टूटे किसी पिंड जैसा, कुएं में फेंके चंद सिक्के, या फिर गंगा में बही अस्थियों सा वापस आऊंगा। तो ये वापस आने की और एक 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 अनुग्रह है, एक अनुनय विनय है, जो कि एक एक बहुत ही जिसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है। तो सर क्या कहते हैं आप इस पूरे सेशन के बारे में, क्योंकि एक दूसरे किस्म का सेशन रहा है। नहीं, ये एक अपनी तरह की काव्य पाठ हुआ है जिसमें हमने विविध संवेदना के विविध आयामों को अपने अपने क्षेत्रों और अपनी अपनी विषय विशेषज्ञताओं के साथ तो हम अपने दर्शकों के सामने हमने रखा है। तो मैं समझता हूँ कि सामान्यतः जो काव्य पाठ इस समय हो रहे हैं, जो सरकारी संस्थान या अन्य लोग करवा रहे हैं, उनमें किसी एक विषय पर रहता है, लेकिन यहाँ तो संवेदना के अनेक आयाम आपके सामने प्रकट हो रहे हैं जी। और ये जो अनेक आयाम सर, कविता का मीनिंग क्या है, कविता का होना क्या है, कविता की उपस्थिति क्या कहते हैं आप? देखिए, कविता की उपस्थिति ये है कि कविता को मैं तो ऐसे मानता हूं कि जैसे हमारे लिए शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही हमारे संवेदनात्मक विकास के लिए काव्य जरूरी है। जितना हम भोजन पानी अन्न ग्रहण हवा करते हैं, सारे लेते हैं ना, ये उतनी की उतनी ही हमारी संवेदना को भी खुराक चाहिए, उतनी उतनी हमारी जो मूल्य चेतना है, हमारी मूल चेतना है, उसको भी कुछ चाहिए। तो ये चेतना का जो एक तरह से आत्म में जुड़ना है, चेतना के किसी नवीन अनुभव का आत्म में जुड़ना है हमारे चैतन्य में, वो कविता है असल जी। बाकी जी, तो सब शब्दों की जादूगिरी है जी। विजेंद्र, एक और कोई छोटी सी कविता शेयर करें आप, छोटी कविता, बहुत छोटी सूक्ष्म कविता। अच्छा ठीक है, एक और छोटी कविता में द डिफरेंट स्ट्रोक्स, इसका कविता का टाइटल जो मैंने दिया जी। तुम बस दूर खड़े एक मूक दर्शक की भांति आवाज देखते रहे, तुम बस दूर खड़े एक मूक दर्शक की भांति आवाज देखते रहे, और मुझे उन चंद आड़ी तिरछी लकीरों ने असहाय बना दिया, और मुझे उन चंद आड़ी तिरछी लकीरों ने असहाय बना दिया। तुम चाहते तो रंगों की एक दीवार खड़ी कर सकते थे, तुम चाहते तो रंगों की एक दीवार खड़ी कर सकते थे। बहुत सुंदर, बहुत खूब। ये बिल्कुल मुझे इसने जैन, जो जैन हाइकू पोएट्रीज होती है जो जापान की, उनका रिफ्लेक्शन किया कि छोटे से प्रतीक आपने, बिंब आपने फेंके और जस्ट बिल्कुल कहीं पे आपने अवाक कर दिया सभी को। तो ये बहुत सुंदर, वाक में अवाक की अनुगूंज रही। तो एक छोटी कविता मैं भी पढ़ता हूं, इसका शीर्षक है कौन जानता किसे पता, कहां प्रारंभ कहां अंत इन आख्यानों का, कहां प्रारंभ कहां अंत इन आख्यानों का, कौन से चाक पर किस प्रजापति ने गढ़ा और तपाया किस अग्निकुंड में, कौन से चाक पर किस प्रजापति ने गढ़ा और तपाया किस अग्निकुंड में, कहां वे रंग कहां वह तूलिका, कौन सी रेखाओं ने बांधा, कौन से वृक्षों ने दी छांव इन्हें, कौन सा जल भरा गया इनमें, कौन सी धरा में किया विलीन, कौन सा तत्व कहां, कौन जानता किसे पता। बहुत बड़ी, तो दरअसल ये सब स्मृतियां हैं, प्रेरणाएं हैं, ये मुझे ऋग्वेद के जो जो सूक्त है उसके अंदर से ये कहीं से फूटती भी दिखाई देती है, इसके जो स्रोत है वो वहां से आते हुए दिखते हैं। तो दरअसल सब कुछ ये एक सर्कुलर है, हम नटराज को देखते हैं तो वहां पर भी एक सर्किल है, जिस सर्किल की डॉक्टर साहब ने अभी बात की। तो डॉक्टर साहब एक छोटी कविता आपकी तरफ से प्लीज। देखिए, जीवन में कई चीजें जो हमसे छूट जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे आत्म में कुछ नया जुड़ना चाहिए, हमारे अनुभव में कुछ नया जुड़ना चाहिए। तो देखिए, एक चीज मैंने गौर की है, शायद आपने भी की हो, बाल पे कविता लिखी है मैंने
बालों के भी होते हैं अंग प्रत्यंग, बालों के भी होते हैं अंग प्रत्यंग, बार बार जब भी संवारते हम तो कराह उठते हैं वे, बार बार जब भी संवारते हैं हम तो कराह उठते हैं वे, कोई खींच कर उन्हें झिंझोड़ता है हमें, टूट कर बिखरते हैं वे, कोई खींच कर झिंझोड़ता है हमें और टूट कर बिखरते हैं वे, लगातार ठंडा गर्म सहते रहते कई बार तो रूठ कर चले जाते, कई बार तो रूठ कर चले जाते हैं, कई बार तो जबरिया ही हटा दिया जाता है उन्हें अपने स्थान से, कई बार जबरिया ही हटा दिया जाता है उन्हें अपने स्थान से, उनके होने से हम सुरक्षित है, उनके होने से हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित है हमारी देह, काश हमारा मन भी बालों सा ही हो जाए, काश हमारा मन भी बालों सा ही हो जाए, जो कटकर झड़कर उड़कर दबकर घुटकर छुटकर लौटाए हमें एक नई चमक, नया विन्यास, बालों जैसी नई खुशी के साथ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, आपने वाकई में बालों के नए विन्यास गढ़ दिए, और इस लॉकडाउन के समय में तो ये बहुत ही सबसे प्रासंगिक कविता मुझे लगती है, क्योंकि अभी सभी इस जद्दोजहद में है कि वो अपने बालों को कैसे सुरक्षित रखें या उसकी कैसे उसके आगे बढ़ाएं उसकी प्रक्रिया को। तो एक और कविता जो मेरी तरफ से मैं पढ़ना चाहूंगा, इसका शीर्षक है बजाते जिनके तंबू रे रामदेव जी। हमारे मारवाड़ में, बीकानेर में और जोधपुर की तरफ में बताते हैं कि भी के रामदेव जी तंबूरा बजा से, तो बजाते जिनके तंबूरे रामदेव जी, हाँ आंदोरा तंबूरा रामदेव जी बजाओ। तो आसमान की खुरदरी पड़ते कुरेचता झुंड बरगलों का, आसमान की खुरदरी पड़ते कुरेचता झुंड बरगलों का, कभी मेहराबों पर तो कभी चढ़ बैठता है जनाना ड्योढ़ी पर, लकीरें दीमकों का करती पीछा, छूती अनंत क्षितिजीय विस्तार, लुब्ध पतंग बाजों के मांझे डूब खाते गोते, जिसमें भीगी शहतूत कचनार और रूखड़े की देह भी, पूर्वोत्तरीय सूर्य करता कंठस्थ मुक्ति के उच्चार्य मंत्र, दूर से पहचाना जाता है चीवर उसका, शतरंजी चालें चल बना टीढ़ बिंगा रास्ता, बटोरता चौगान में बिखरी सावन की डोकरियों को, बजाते हैं जिनके तंबूरे रामदेव जी, बजाते हैं जिनके तंबूरे रामदेव, तंबूरे रामदेव जी, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये इसमें लोक के और जो एक भव से जुड़े हुए जो शब्द हैं या उनकी जो अनुगूंज है, उनकी जो स्मृतियां हैं, हमारी रेगिस्तान की जो स्मृतियां हैं, हम तो बोल तो रेगिस्तान के लोग हैं, तो उसका जो कैनवस है वो इसमें कहीं उतर के आता है। तो विजेंद्र तुम एक छोटी कविता पढ़ें, आप एक छोटी कविता सुनाएं। चलो एक और प्रेम कविता मैं पढ़ देता हूँ जी, पेज नंबर 10 जी। अच्छा, इसका शीर्षक ही पेज नंबर 10 है, शीर्षक है इसका पेज नंबर 10। ओके जी, बहुत सुंदर। हालांकि नहीं लिखना चाहिए कुछ भी अब उसके बारे में, हालांकि नहीं लिखना चाहिए कुछ भी अब उसके बारे में, पूरे 20 पेज पलटने होंगे उस 10वें पेज में पहुंचने के लिए, फिर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा और तुम भी सवाल करोगे मुझसे कि कहां गए बीच के 17-18 पेज, फिर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा और तब तुम भी सवाल करोगे मुझसे कि कहां गए बीच के 17-18 पेज। अब तो एक धुंधली आउटलाइन बन चुकी है वह मेरे कैनवस की, अब तो वह एक धुंधली आउटलाइन बन चुकी है मेरे कैनवस की, आज अरसे बाद इन लकीरों को गाढ़ा करने की कोशिश करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, आज अरसे बाद इन लकीरों को गाढ़ा करने की कोशिश करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शायद यही कविता है जो 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 हाथ हर दिन हर रोज रेखाओं को खींचते हैं, बिंबों को बनाते हैं, फॉर्म्स के साथ में प्ले करते हैं और वो हाथ कांपने लगते हैं, तो ये जो सूक्ष्मता है ये विजेंद्र की कविताओं की एक बहुत खूबसूरत झलक है, वो इतने बखूबी
अपने शब्दों को, अपने रंगों को, अपनी रेखाओं को, अपनी आकृतियों को बरतते हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रिजरतन जी, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ शेयर करें, बहुत छोटा सा, बहुत कम। हाँ, बहुत छोटा। देखिए, एक छोटी सी कविता है जिसमें जीवन का एक अनुभव है। जीवन जानने के लिए केवल भाषा जानना भर ही जरूरी नहीं, जीवन जानने के लिए केवल भाषा जानना भर ही जरूरी नहीं, जानना होता है भाषा में छुपे उस अनकहे को भी, जो कहे की देह में होता है छिपा कहीं, जो कहे की देह में छिपा होता है कहीं, और जिसे सुनकर अक्सर हम भुला देते हैं। कविता वहीं बैठी है, करती है इंतजार किसी उदास प्रेमिका की तरह, कि कब आए उसका प्रिय और करे उसे उसे उसके साथ अपने प्रेम की अनूठी अभिव्यक्ति। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। दरअसल यही यही कविता का मर्म है जी, जो अनकहे को कहती है, अनसुने को सुना देती है, अनगहे को गहा देती है। तो बहुत खूबसूरत आपने डॉक्टर साहब बात कही। ब्रिजरतन जी जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में है उसकी एक पत्रिका है मधुमति, आप उसके संपादक भी हैं, आप बीकानेर में प्रोफेसर भी हैं। विजेंद्र जो है वो स्वतंत्र चित्रकार हैं और लेखक हैं, कवि हैं, और एक 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 रिसर्च रिसर्च माइंड है वो, आप एक रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलो भी हैं। तो ये बहुआयामी दो व्यक्तित्व हमारे साथ थे और इनसे संवाद बहुत सुंदर रहा, और दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हम जिसको रस कहते हैं तो वो रस क्या है जी, वो एस्थेटिक्स की भाषा में एक्सपीरियंस है। कविता जो है वो उसकी सर्वोच्च निष्पत्ति है, वो एक हाईएस्ट अपीयरेंस ऑफ एक्सपीरियंस है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जिसको हमने फील किया। आप में से कोई और कोई चीज को ऐड करना चाहे विजेंद्र ब्रिजरतन जी, तो फिर हम अपने दर्शकों से रुखसत भी लेना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, आप सब लोगों का साथ और हमारे सभी दर्शकों का हमें प्यार और सम्मान जो मिला है उसके लिए हम इनके आभारी। बहुत बहुत विजेंद्र, बहुत प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सुंदर कविताएं सुनी एक दूसरे की, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। सिटी लाइफ चैनल जो शब्द संसार दिल से प्रोग्राम है उनका, ये उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें बहुत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का, सिटी लाइव के दर्शकों को, शुक्रिया। और मैं अमित कल्ला सभी का विशेष तौर से धन्यवाद अदा करता हूँ। City Live, a platform to sharing your thoughts.